मुजफ्फरपुर जिला के कांटी थाना क्षेत्र के NH 28 माँ छिन्नमस्तिका देवी मंदिर के पास का खबर बता रहे हैं, जहां पर ऑटो और ट्रक में भीषण टक्कर होने से आधा दर्जन लोग घायल होने की बात सामने आ रही है। वही आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों के मदद से उसे अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है। जो तस्वीरें अभी आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, रात्रि के 10 बजे की ये खबर अभी आपको बता रहे हैं। वही आपको बता दें कि ये लोग दाह संस्कार करके अपने घर लौट रहे थे, इसी क्रम में तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने ठोकर मार दी, जिसके बाद वे लोग पूरी तरह से घायल हो गए, जिसका इलाज अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रहा है। और आपको बता दें कि ये सभी लक्ष्मी चौक के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वही वहाँ पर स्थानीय पुलिस कर्मी भी मौजूद है और तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले अभी प्रकाश न्यूज लाइव पे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक खबर आपको अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। कितने लोग इंजर्ड है? हम लोग गश्ती में थे नरसंडा ओवर ब्रिज पर, तो सूचना मिली कि छिन्नमस्ती के पास एक टेम्पो एक पिकअप में दुर्घटना हुआ है। हम लोग पहुँचे तो एक ड्राइवर केवल मात्र वहाँ था, बाकी को पब्लिक वहाँ को उठा करके भेज दिया, जो गैलेक्सी हॉस्पिटल में उसे पहुँच चुका है, ठीक ना। और एक ड्राइवर था, उसका माथा फटा हुआ है, उसको इलाज में यहाँ लाए हैं, ट्रीटमेंट हो गया उसको भी। वो देखिए जा रहा है गाड़ी, उसको लेकर के जा रहा है मेडिकल में। तो कितने लोगों की डेथ होती की डेथ नहीं, घायल है, सब घायल। कितने लोग घायल हैं कुल? चार तो उधर बताया कि चार उधर लेके गया, एक ड्राइवर है, पांच। सर गाड़ी उड़ी भी बरामद? गाड़ी जो जिससे मैंने जो मारा है तो भाग गया जी, लेकिन जो जिससे घटना घटी थी, मैंने घटना हुआ है पलटी जिसमें ठोकर लगा है, उसमें उसको हम लोग थाना पर ले जाकर रखे हैं। दुर्घटनाकारी थे वो, दुर्घटना मनग्रस्त हो गया, डैमेज। ये लोग किस चीज से आ रहे थे? ऑटो से आ रहे थे। वो पिकअप जो है ना, छोटा वाला पिकअप ना, मालवाहक, उसमें ही संस्कार दाह संस्कार करके मीनापुर से शायद आ रहा था लोग। ये सब लक्ष्मीपुर का, लक्ष्मी चौक का है। अच्छा, ठीक।